आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, प्रोजेक्टाइल मूव्स फ्रॉम द ग्राउंड सच दैट इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज x = kt एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज y = kt 1 - अल्फा t, वेयर k एंड अल्फा आर कांस्टेंट्स एंड t इज टाइम। फाइंड आउट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट अटेन y max। तो देखो, जब हम लोग एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो करते हैं, ठीक है, ऐसे फ्रॉम ग्राउंड से एट अ पर्टिकुलर एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो क्या होता है, जो पूरा जब ये हॉराइजन, ये पूरा प्रोजेक्टाइल पूरा अपना मोशन करता है ऐसा पैराबोलिक पाथ में, तो जब अपना ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाता है, तब इसका जो वाई पोजीशन है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट है, ये सेम ही रहता है टू द इनिशियल टाइम t = 0 पे जितना था, और टाइम t = कैपिटल t जो है टाइम ऑफ लाइफ, उसके बाद भी इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ये सेम ही रहता है। मतलब जो डेल वाई होता है, वाई पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम लोग का 0 होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का मतलब जो हम लोग का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या दिया गया, वाई इज इक्वल टू के टी 1 माइनस अल्फा थी। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो, ऐसे यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये सेम है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि के टी 1 माइनस अल्फा टी इज इक्वल टू 0। इसमें से हम लोग का टी का दो वैल्यू मिलते हैं, टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू कितना, 1 बाय अल्फा, मतलब 1 माइनस अल्फा टी इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, ठीक है। तो यही हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि देखो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है, इस पॉइंट पे भी, और टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे भी हम लोग का जो क्या है, जो हम लोग का वाई डायरेक्शन पे जो डिस्प्लेसमेंट वो 0 है। पर हम लोग ये टाइम टी इज इक्वल टू टाइम का कोई वैल्यू होगा, उसके बाद ही हम लोग को ये जो मैक्सिमम एक्स डिस्प्लेसमेंट पे 0 वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट पे। तो ये हम लोग का जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, टी, वो हम लोग का आ जाएगा 1 बाय अल्फा। अभी देखो, अभी हम लोग को पूछा गया है मैक्सिमम हाइट अटेंड वाई मैक्स। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड के लिए क्या होना पड़ेगा, डीवाई बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोग को जो डिरेवेटिव का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम डिरेवेटिव जब किसी का हो तो उस फंक्शन का हमेशा क्या होता है, मतलब जब किसका डेरिवेटिव 0 हो, मतलब उस फंक्शन ने अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लिया है या फिर मिनिमम वैल्यू अटेन कर लिया, तो इस केस में मैक्सिमम होगा। तो ये देखो, dy by dt करना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू हम लोग का क्या है, y इज इक्वल टू के टी 1 माइनस अल्फा टी, ठीक है, विच इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, के टी माइनस के अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का dy by dt क्या होगा, dy by dt इज इक्वल टू k, ठीक है, k कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी टी 1 आ जाएगा, माइनस k अल्फा 2t, ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज t मस्ट बी इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 2 अल्फा k, k कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का जो टाइम है, टाइम क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू 1 बाय 2 अल्फा। तो इस टाइम पे हम लोग को क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट along y for this time 1 by 2 अल्फा। तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को y max मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग का जो y max है क्या आएगा, y max will be equal to k into 1 by 2 अल्फा 1 minus अल्फा by 2 अल्फा, ठीक है, t के जगह 1 by 2 अल्फा पुट किया, तो अल्फा अल्फा कैंसिल, तो ये आ गया k by 2 अल्फा इंटू 1 बाई 2। तो हम लोग का वाई मैक्स जो है वो क्या आ गया, वाई मैक्स विल बी इक्वल टू k by 4 अल्फा, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या मिला आंसर्स, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, ठीक है, वो हम लोग को क्या मिला, t इज इक्वल टू कैपिटल कैपिटल t टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, और मैक्सिमम डिस्प्लेस मिला k by 4 अल्फा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग का, आओ देखते हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन, टी इक्वल टू 1 बाय अल्फा, वाई मैक्स इक्वल टू के बाय 4 अल्फा, ये हम लोग का एक सही ऑप्शन, ठीक है। थैंक यू सर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।